Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. आप सब लोग जानते ही हैं हमने लास्ट क्लास में क्या फाइंड आउट करना सीखा था, पीरियड और ब्लॉक. ठीक है, हमें पता चल गया था कि किस एलिमेंट का हम पीरियड और ब्लॉक पता कर सकते हैं. इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हम ग्रुप फाइंड आउट करें. हमें पीरियड और ब्लॉक तो पता चल गए, अब हम ग्रुप कैसे पता करें, ग्रुप भी तो पता करना जरूरी है. तो हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं कि हम ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले बच्चों हमें ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक फाइंड आउट करना जरूर आना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में प्रेजेंट है. तो स्टूडेंट सबसे सिंपल और सबसे इजी क्या चीज है, अगर ग्रुप फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा कि ब्लॉक से कि ये एलिमेंट ये एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में प्रेजेंट है. अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक में वो एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है, अगर उसका कॉन्फिग्रेशन NS1 या NS2 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, NS1 और NS2 आ रहा है. बच्चों अगर NS1 है तो आप बता देना इजीली वो क्या है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है. ठीक है, अगर NS2 आ रहा है तो इसका मतलब वो ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है. तो एस ब्लॉक के तो आप आसानी से बता देंगे कैसे, कॉन्फिग्रेशन देखकर. ठीक है, अगर NS1 तो वो ग्रुप फर्स्ट का, अगर NS2 तो वो ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है. अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, एस के बाद पी ब्लॉक. ठीक है बच्चों, पी ब्लॉक का कैसे बताएंगे, पी ब्लॉक का हम बताएंगे पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एटॉमिक नंबर 17 का. ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 का आपने क्या करा, कॉन्फिग्रेशन लिख लिया कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. बच्चों लास्ट में क्या आया है, 3p5 आया है. तो एटॉमिक नंबर 17 में आप सबसे पहले पीरियड बनाइए, तो पीरियड आपका क्या हुआ, सबसे लार्जेस्ट n की वैल्यू 3, तो 3 क्या होगा आपका, पीरियड हो गया. ब्लॉक कैसे बताना है बच्चों, सबसे लास्ट वाली सबशेल. ठीक है, तो इसमें क्या है, पी आपका ब्लॉक है. ये 17 किस ब्लॉक में प्रेजेंट है बच्चों, पी ब्लॉक में. अब आपको ग्रुप बताना है बच्चों, पी ब्लॉक आ गया है तो अब आप बताएंगे किस ग्रुप में. अब जैसे ही ग्रुप बताएंगे वो कैसे बताएंगे, 12+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल. ठीक है, जो लास्ट आपकी सब शेल होगी, जो पी वाली सब शेल होगी लास्ट वाली, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनको आप बच्चों प्लस कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ. जैसे आपका एटॉमिक नंबर 17 का पीरियड 3 आया, ब्लॉक क्या आया, पी आ गया. पी आते ही आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है कि 12+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सब शेल. तो क्या हुआ, 12 के साथ आपने प्लस किया, क्लोरीन में देखिए आपका जो 17 एटॉमिक नंबर है इसमें लास्ट में पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 12+5 कितने हो गए बच्चों, 17. तो अगर आप देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में कि ये जो एटॉमिक नंबर 17 है तो किस ग्रुप में प्रेजेंट है, 17th ग्रुप में प्रेजेंट है बच्चों. पता चल गया पी ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, 12+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सबशेल. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का. आपको मैंने एटॉमिक नंबर दिया है 35. 35 का क्या करिए, आप पहले पूरा कॉन्फिग्रेशन करिए. कॉन्फिग्रेशन करने के बाद पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट कर लीजिए. जब आपको पता चल गया है पी ब्लॉक का है तो उसमें क्या करिए, 12 में प्लस कर दीजिए लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन. बच्चों कितना आया, 17. क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, 17 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. ठीक, पी ब्लॉक का आपको समझ में आ गया होगा अब तक. अब हम पढ़ते
करते हैं डी ब्लॉक। बच्चों डी ब्लॉक में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ग्रुप में क्या करेंगे, टू प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी सबशेल। जैसे एटॉमिक नंबर है 23, ठीक है, एटॉमिक नंबर 23 है, इसका आपने पूरा कॉन्फिगरेशन कर दिया, पीरियड फाइंड आउट किया फोर्थ आया है, ग्रुप फाइंड आउट किया है डी आया है, और जो हम ब्लॉक फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी ब्लॉक जो फाइंड आउट करते हैं, एन प्लस एल रूल मैंने आपको यूनिट सेकंड में बताया था, उसको आप लगाकर देख लीजिए कि 4s में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा ब्लॉक कौन सा है। फिर ग्रुप कैसे निकालेंगे बच्चों, डी ब्लॉक का 2 के साथ प्लस कर देंगे डी सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 प्लस 3 क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो इसका मतलब पता चला आपको जो एटॉमिक नंबर 23 है वो किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है बच्चों, फिफ्थ ग्रुप में है, ठीक है, आपको पता चल गया। बस डी में क्या है, 2 के साथ प्लस कर देना है डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट आपका क्या है, एफ ब्लॉक। बच्चों एफ ब्लॉक को याद करना आसान है, अगर आपको कहीं भी कोई भी एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक दिखे तो वो लैंथेनॉइड्स होते हैं, और 89 से 103 तक दिखे वो क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रुप पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू क्लास। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।